निशा तिवारी आपके अंग्रेजी न्यूज़ आई बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। 1 अक्टूबर यानी कि आज से देश भर में कई बदलाव हुए हैं। आज से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया। इसके अलावा इलाहाबाद ओबीसी और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक काम नहीं करेगी। हम आपको ऐसे ही 6 बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ेगा। पहला, सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ाए हैं। सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए से बढ़कर 1736.5 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम बिना सब्सिडी के रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई है। इसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपए बरकरार है। बता दें कि पिछले महीने यानी सितंबर में तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ाए थे। दूसरा, 1 अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है। ऑटो डेबिट का मतलब है कि अपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा बैंक अकाउंट में अपने आप कट जाएगा। तीसरा, इलाहाबाद ओबीसी और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक नहीं करेगी काम। 1 अक्टूबर से इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेक बुक बेकार हो जाएगी। ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया गया है। वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है। ऐसे में इन बैंकों की ग्राहकों को नई चेक बुक लेनी होगी। चौथा, डीमैट अकाउंट की KYC होगी जरूरी। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की KYC को अनिवार्य किया गया है। अब से अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने पर वेरीफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा। पांचवा, सरकार की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है जो 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रही है। इसकी मदद से लोग घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। jeevanpraman.government.in ऐप पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं। छठा, बिल पर FSSAI नंबर बताना होगा जरूरी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था। 1 अक्टूबर से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे चम न्यूज के साथ।